असलम नाजरीन प्रोग्राम है पब्लिक आई रावलपिंडी ते तो मैं तुसा मेज़बान आसिम रियाज नाजरीन अज्जा जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक थोड़ा हट के अक्सर तुमने हो कि मैं प्रोग्राम जहाँ पब्लिक आई रावल करना अवमी मसायल पर करना और अवीमी मसायल तनजो मजाक साढ़े इस प्रोग्राम में शामिल होना लेकिन अज नाजरीन असा थोड़ा जहा हट के प्रोग्राम कर सूंकि पता है कि पोलियो ने जो कंपेन है ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 39 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਓ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਪੀਕੇ ਨੇ ਆ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆ ਔਰ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਵਾਇਦ ਕਹੇ ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਨਾ ਪਿਲਾਣੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕਹੇ ਇਹ तमाम ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਚ ਜਾਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ بچے جڑے ہیں بچے اس ملک نا مستقبل ہے زاہری گل ہے بچے جوان و سن تکالو اس ملک نا مستقبل نہ ہے ایسا ہسن تے اس تے بڑا ضروری ہے کہ اساں لوکاں کی والدین کی ٹیچرز کی یا دیگر لوکاں کی پورے پاکستانیاں کی جڑا ہے او اویئر کرنے نی بیہاد ضرورت ہے کہ اگر پولیو نے کترے جڑے ہے او اپنے بچےاں کی پلاسو تے او کیڑے نقصان تو بچاسن اور اگر نہ بچاسو پلاسو تے او کس قدر بچےانا نقصان ہو سکنا بچہ معذور ہو سکنا اس تمام تر صورتحال سان اپنے اس پروگرام نے اندر ڈسکس کرسا ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਪਰਸਨ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਣਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰਿਆਂ ਤੂੰ ਕਤਰੇ ਪਲਾਨਾ ਹੋਰ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਅਗਰੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਾ ਕੋਸੀਏ ਤੁਸਾਂ ਹਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਸੀ ਤੁਸਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੁਲੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਪਲਾਈ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਤ ਸੋ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚਾਹੀਨ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਕਿ पोलियो उसने मुहिम उसका आगाज़ बकायदा तौर पर दोबारा पाकिस्तान ने मुल्क भर ने उन्तालीस है और दोबारा तुकी जा रहा है अफसोस ना मकाम है कि अभी भी पाकिस्तान ने अंदर पोलियो जो है उस तरह सर च आना पे दोबारा और बाकी पूरी दुनिया तकरीबन पोलियो खत्म हो चुका है लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक रही जितने अज भी पोलियो मौजूद है और यह ऐसा लोगों ने भी कोताही है कि प्रॉपर जो है इस पर फोकस ना करने और असा ना तखने पे कि लोगों की अवेयर ना करने पे और लोगों की अवेयर होना चाहना कि पोलियो ने जो कतरे है बड़े जरूरी है बच्चों ने रोशन बड़े जरूरी है मैं ने अंदर था ना, बनी ने एस एच ओ राजा गुलताज साहब मेरे नाल है इन्होंने कर सा वर्दी वर्सन है लोग इन्होंने गल की फॉलो कर रहे हैं फॉलोवर भी है लोग इन्ह गुफ्तगू कर सू पोलियो ने उपर पैगाम किनसा कि एक क्या आना चाहें सलामकुम राय साहब जी वाले सलाम। मतलब है कि अभी भी पाकिस्तान ने अंदर पोलियो मौजूद है और किधर ना किधर यह सारी गफलत है क्योंकि असर लोग जो कॉपरेट ना करने पोलियोन टीमा नाल कॉपरेट ना करने सिक्योरिटी ना असा कॉपरेट ना करने इसी वजह के ये बड़ी बदकिस्मती है कि असर अवेयरनेस नहीं है असा लोग इतने ज्यादा एजुकेट नहीं असान ना एजुकेशन लैवल बड़ा लो है जिसनी वजह तू तो अ इस चीज़ा की समझी नहीं सके कि पोलियो ने नुकसान कहन बेसीकली पोलियो जड़ा आने वाली नस्लों की माजूर करना पे। और पाकिस्तान इस बदकिसती आज दिन तक इसने मामलात इस कोई सेमिनार या इस किसम ने चीजा वो सामने नहीं आइया है लेकिन मुख्तिफ हकूमत जो आइया तो उन्होंने अपने अपने आदबार बच दस लोगों की अवेयरनैस देनी शुरू की थी हूँ कि पोलियो पूरी दुनिया ख़त्म हो चुके पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मुल्क रही गए जिन्होंने अजे तक बकाया है। लेकिन पाकिस्तान इस, आ, काफी आ, इस है, चु। और, आ, भी इस काफ़ी हद तक हूँ इस तू निकली चुके इसने चुगलचू और अस खुद स्कूलों में मुख्तलिफ मुख्तलिफिक आए लोगों और मुख्तलिफ सेमिनार्स ने थ्रू असा कोशिश करने पे कि लोगों की अवेयर करिए लोगों की इसने बारे दसी है कि इसने नुकसानात कहे और अपने बच्चों की कतरे लाजमी पिलाए जाने ताकि इस मुझी मर्ज़ तो छुटकारा हासिल किया जाए ठीक हो गया राजी, बड़ी मेहरबानी जी बड़ा खूबसूरत पैगाम राजा गुलतासा तरफ हुआ कि जी बिल्कुल जब तक असं पोलियो ने टीम नाल कोपरेट ना कर सदारपरेट ना कर सोलियो ना जो मूजी मर्ज है इस तू तो असानी जान नहीं छुट्टन लगी बहुत घट केसिज रही गए लेकिन मौजूद जरूर है इस पर तुस ना तो मेरा सारे ना फर्ज़ बनना कि असं अपन टीमों कोपरेट करिए और अपने पांच साल ने घट बच्चिया की पांच साल की उम्र तू तो जो घट बचे हैं उन्होंने की लाजमी पोलियो ने कतरे पिलवाई है अच्छी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बी बी एच होस्पिटल में बेनज़ीर बोटो अस्पताल के अंदर मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जैसा कि नाजरीन प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आज से जो है वो पोलियो की कम्पेन दोबारा से शुरू हो रही है तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं इनसे गुफ्तू करेंगे इनसे जानेंगे कि पोलियो जो है वो किस हद तक पोलियो के कतरे बच्चों को पिलवाना जो है वो ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी और आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब तक हम लोग इस पर इस कमपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे लोगों को अवेयर नहीं करेंगे लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो पोलियो जैसा जो मोजी मर्ज़ है इससे हमारी जान छूटने वाली नहीं है तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं इनसे गुफ्तू कर लेते हैं असलम डॉक्टर वाल मुझे ये बताइएगा कि हम लोग कैसे पोलियो के ऊपर काबू पा सकते हैं मतलब मेरी भी ये जिम्मेदारी में आता है ये आपकी भी जिम्मेदारी में आता है ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी में आता है जो पाकिस्तानी शहरी हैं क्योंकि दुनिया भर से तकरीबन पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो जो है वो हर साल जो है वो सर उठाना शुरू कर देता है तो क्या कहेंगे जी पोलियो जहाँ तक रिस्पांसिबिलिटी है माशरे में हर परत का है उसमें जो पेशेमाम भी है जो स्कूल टीचर्स भी है डॉक्टर्स भी है इलाके के महजीन भी है इस का जो है ना इस सब की फ़र्ज है कि जितनी भी शेर है इसको आगाह करी इसका किसी किस्म का नुकसान वगैरह नहीं है और तकरीबन अभी सिर्फ़ अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान ये दो ऐसे हैं कि इसमें अभी तक पोलियो बाकी है बाकी तकरीबन सारी दुनिया से वो ख़त्म हो चुके हैं तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें वालदे का किरदार कितना आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वालदान की ये जिम्मेदारी में आता है कि वो अपने पाँच साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं टीमों के साथ जो है वो कॉपरेट करें जो पोलियो की टीम्स जाती हैं हम अक्सर देखते हैं कि पोलियो की टीम जाती है और वालदेन का ये इसरार होता है कि हमने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलवाने एक डर एक खौफ सा उनके अंदर होता है उसके लिए उनको क्या पैगाम देना चाहिए जी इसके लिए ये है कि वालदे की बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले दे और अपने बच्चों को टाइम पे पोलियो के कतरे पिलाए जो पाँच साल से कम उम्र के और जो टीम जाते हैं उसके साथ तावन करें तो ये इन फिर काफ़ी हद तक हम इस काबू पा सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वालदे की बहुत ज़्यादा है कि इसमें वो लाजमी तावन करें लोगों के अंदर एक डर खौफ भी है कि पोलियो अगर पिलवाएंगे ख़ुदा न खास्ता तो कुछ और हो जाएगा या दीगर बातें भी क्या सराइयाँ होती हैं कि जी इसमें पता नहीं क्या चीज़ शामिल है क्या चीज़ लोग डरते क्यों हैं इस सवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि बाज़ल ने बाज़ मुफ्तियान ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे फतवा जारी किया है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है पोलियो के कतरे आप बच्चों को पिलवा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर खौफ क्यों है इसके किसी किस्म के नुकसान नहीं है ये हर एक बच्चे को पिलाना चाहिए और आज तक कोई ऐसा इसके साइड इफ़ेक्ट हमें सामने नज़र नहीं आए है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिला दें जी बिल्कुल जी हर माँ और बच्चे को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं एक और डॉक्टर साहबा यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मैम यहाँ पे आ जाएं आप भी इनसे भी बात कर लेते हैं इनसे पूछते हैं मैम नाम बताइएगा सर डॉक्टर मैम थोड़ी सी इस तरफ थोड़ी सी आप यू टर्न लेंगी ताकि कैमरा सामने आए डॉक्टर जरका ये बताइएगा कि आ, मुझे ये सबसे पहले जानना है कि पोलियो के जो सिम्टम्स हैं ये किस तरह से ज़ाहिर होना शुरू होते हैं हमने माँ बाप को कैसे एजुकेट करना है कि कौन सी ऐसी अमत है जो जाहिर होना शुरू हों तो माँ बाप का काम है कि वो फौरी तौर पर जो है वो पोलियो टीमों से जो है वो रबता करें या उनके करीबी कोई हेल्थ ऑफिस है तो वहाँ से रब्ता करें और बच्चों को पोलियो के खतरे में सबसे पहले ये तो कि पोलियो के सिम्टम्स शाहिर होने से पहले भी हमें बच्चों को हम पेरेंट्स को चाहिए कि वो इसके पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं क्योंकि ये नहीं कि आप अगर सिम्टम्स अपेयर होने के बाद वक्त पहले मैं आपको सिम्टम्स बता देते हो बच्चा आपका सुस्त होगा दूध पीना छोड़ देगा एक साइड की माँ कहेगी या बाप कहेगा कि एक साइड की कमज़ोरी है बच्चे को बच्चा हाथ नहीं ला रहा है बाज़ पूरी एक साइड की कमजोरी होती है मतलब दाही साइड की कमजोरी है बाज़ सिर्फ़ एक हाथ नहीं ला रहा होता बाज़ात एक पाउंड नहीं ला रहा होता बाजा अकात ये होता है कि एक साइड फेस की एक साइड जो होती है ना उसको वहाँ कहते हैं कि ये एक साइड पे लड़क रहा है बच्चा बच्चे की जबान है दूसरी साइड पे जा रही है या कुछ इस तरह के फाइंडिंग्स होती है हमारे पास दूसरी ये है कि हम लोग ये हमारे जो होते हैं ना हमारे जो आम लोगों का कंसेप्ट है कि इसके पिलाने से ना बच्चे हमारे जहनी और जिसमानी तौर पर मज़ूर हो जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी जो मेडिकल साइंस हमें कहती है कि ना इसके साइड इफेक्ट इस तरह नहीं है अगर आप एज दूसरी चाइजों की तरफ जाए ना तो एक डिस्प्रिन या कोई टैबलेट लेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन ये नहीं है कि आप ये पिलाएंगे तो पोलियो के कतरे पिलाने से आपका बच्चा माजूर हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये आपके बच्चे का इस तरह जैसे बुनियादी हक है ना बिल्कुल वैसे ही है और आपका ये बुनियादी फ़र्ज है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं अगर किसी भी इलाके से कोई भी बच्चा में मिलता है तो इसके माँ ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि इसके हर उसके टीचर उसके रेलेटिव उसमें जो भी इमाम साहब हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग हर बंदे की रिस्पॉसिबिलिटी है कि इसको पिलाएँ पोलियो के कतरे ये बताइएगा कि लोगों में डर खूफ़ क्यों है क्यों मतलब आज भी हम लोग जो है वो पिछले ज़माने की बातों पर जो है वो जबकि जदीद दौर है आजकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की उसके बावजूद हम लोगों को अवेयर क्यों नहीं कर पा रहे इसकी बुनियादी वजह बुनियादी वजह हमारी ये बात है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं दे रहे बुनियादी हम लोग पोलियो के पोलियो के साइड इफेक्ट नहीं बता रहे हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है हम लोग ये मिसकनसप्शन है कि इसकी वजह से ये हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक दूसरी बात यह है कि हम लोगों को ये इशू रेस करना चाहिए कि हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने चाहिए क्योंकि बाद का ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं है। पिछली दफ़ा हमने पिलवा दिए थे अब हमें कोई जरूरत नहीं ऐसा नहीं है लास्ट टाइम जो हुआ था वो भी जरूरी था जो अगली दफ़ा हर बार हर दफ़ा पोलियो के कतरे हर बच्चे के लिए लाजमी है सेप्शन इसलिए आ जाता है कि कहते हैं कि वो बच्चे को इस वजह से बीमार नहीं वो पोलियो के कतरे की वजह से नहीं हुआ था उसको कोई और पीछे से बीमारी चल रही है इसी वजह से वो कुछ ना कुछ उसको मसला चल रहा होता है यही चीज़ें हमें पेशेंट को गाइड करनी पड़ती हैं हमें यहाँ पे बाज़ किसी भी एक मोहल्ले की सियानी औरत होती है उसके पास जाते हैं उसके ने एक बच्चा देखा जो कि कहते हैं मिसाल के तौर पर एक बच्चा आता है उसके पास कि ना पोलियो के कतरे पे उसके बाद इसको कमजोरी शुरू हुई नहीं वो पोलियो के कतरे की वजह से नहीं थी वो किसी और वजह से थी वो उस सियानी औरत के पास गए तो उसने उसको मिस गाइड कर दिया बस यही वजह हमारे पास अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को अवेयर करना नहीं सीख पा रहे इधर मैम हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है डॉक्टर्स जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं मीडिया जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो आखिर हम लोग समझना कब शुरू करेंगे क्योंकि एक पोलियो का एक बच्चा अगर कोई मरीज़ बन जाता है तो वो पूरे घर के लिए जो है वो टेंशन परेशानी का आलम होता है फिर उस बच्चे की जो ज़िंदगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा खुद भी ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है वो खेल नहीं पाता जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसके दिल पर एक अजीब सी कैफियत गुजरती है तो माँ बाप की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोलियो की टीमों के साथ तान नहीं करते तो माँ बाप के लिए आपका खसूस पैगाम माँ बाप के लिए खसूसी पैगाम ये है कि जैसे आप बच्चों का आपको तालीम देना उनको एक अच्छी एक परवरिश करना उनकी जिस तरह आप पे फ़र्ज है ना आप जैसे अपने सारे समझते हैं ये भी उनका बुनियादी फर्ज है माँ बाप का स्पेशली और स्पेशली जो दादा दादी मोहल्ले की सियानी औरतें मोहल्ले के सियाने मर्द काजी इमाम साहब और टीचर सब का फ़र्ज है मेरी तरफ से सबको यह पैगाम है कि प्लीज़ अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे पाँच साल से कम उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जी बिल्कुल नाजरीन बड़ी अच्छी बहुत बात की है मैडम ने कि पोलियो के, के कतरे पिलवाना जो है ये हर जिम्मेदार पाकिस्तानी का उतना ही हक है जितना कि बच्चे का बुनियादी तालीम के ऊपर हक है बच्चे की अच्छी परवरिश करने पर हक है यह तमाम तर जिम्मेदारी मेरे और आप पर भी आयद होती है मैं कोशिश करूँगा दो चार और डॉक्टर साहबान से भी बात करूँ मेरे साथ रहिएगा बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा इनसे भी गुफ्तु करते हैं इनसे भी जानते हैं कि पोलियो के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं असल डॉक्टर वाईक असल मुझे ये बताइएगा कि आप आपको पता है कि आज से पोलियो की कंपेन जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के उनतालीस अजला में शुरू की गई है के पी के सत्रह अजला हैं उसमें दो पंजाब के हैं बीस अजला जो हैं वो बलोचिस्तान के हैं तो पोलियो की जो रोकथाम है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कौन से ऐसे इकदाम हमें उठाने की ज़रूरत है कि पोलियो से हमारा हमें जो है वो छुटकारा देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पोलियो जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ये उसका बुनियादी हक है और हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को दो पोलियो के कतरे पे ठीक है अब इसमें एकदम अद हम ये कर सकते हैं कि पहले हमें ये चाहिए कि जो हमारे मोहल्ले के मुजजीन हैं जो है हमारे डिस्पेंसरी से बिलोंग करते हैं इन सारे जो एरियाज़ के जो लोग हैं वहाँ पर हर दरवाजे पे जाएं और उनके घर वालों को बताएं कि पोलियो के कतरे इन बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं और उनके जो भी तहफ़ात हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए उन्हें बताया जाए कि पोलियो से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा उन कतरों से कोई नुकसान नहीं होगा पोलियो के कतरों से इससे बेहतरी आएगी और देखें अगर पोलियो के कतरे नहीं पिलाते ना तो उसकी वजह से बच्चे को पोलियो हो जाता है और फिर वो अपाहज होगा और पूरी ज़िंदगी आप उसके मुतासर हैं सिर्फ दो कतरे ना पिलाने की वजह से ठीक है तो इन सारी सूरत हाल में हमारा ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ठीक है और दूसरा ये है कि उनके जितने भी तहफ़ात हैं उसको ले के उन कतरों को ले कर क्योंकि लोग समझते हैं कि उनके जो बच्चे हैं पोलियो के कतरे पीने से अपाहज हो जाएंगे तो उन तहफ़ात को ज़रूर दूर किया जाए तो इस तरह हम जो है इस मसले को पाकिस्तान से इन जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं डॉक्टर साहब उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लोग पोलियो की टीमें जब जाती हैं हम अक्सर देखते हैं रिपोर्ट भी होता है क्योंकि हमारा भी काम है रिपोर्टिंग करना तो लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि जी मेरे बच्चे हैं और मेरी मर्ज़ी है मैंने कतरे नहीं बुलवाने जबकि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि अगर इस वक्त हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है कल को ख़ुदा खास्ता अगर बच्चा माजूर हो जाता है तो उस बच्चे की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर और इसके साथ साथ बच्चा अहसास कमतरी का शिकार होता है क्या कहना चाहेंगे देखिए ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा आलमी है पहली बात है कि एक तो जो जो हमारी बेसिक जो बुनियादी तालीम है वो लोगों के पास नहीं है इस बारे में ठीक है तो इसको बचाने का तरीका तो यही है कि जो आवाम है जिनको नहीं पता कि इससे ये मसले नहीं होते कतरे पिलाने से कोई बीमारी नहीं होगी बच्चे को बल्कि बच्चा जो है महफूज़ हो जाएगा इस बीमारी से और अपनी अच्छी और ख़ुशी की ज़िंदगी जी सकेगा ना ही किसी पे बोझ बनेगा ना ही कोई और मसले होंगे ठीक है तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं उन लोगों से कि अगर हम आपके पास आते हैं और हम अपनी बात अपना पैगाम आपको पहुंचाते हैं तो प्लीज़ खुदा के लिए उसको सुनें हमारी बात को समझें हम आपके बच्चों की भलाई के लिए आपके पास आते हैं उन टीमों का कोई मकसद नहीं है आप लोगों को नुकसान पहुँचाना आप आपके बच्चों के बारे में गलत सोचना आज जो तरक्की याफ्तामें कौमें कौमे हैं जो तरक्की याफ्त मुल्क हैं वहाँ पर पोलियो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे पोलियो की कोई नामो निशान ही नहीं है और इधर अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हर साल पोलियो के इतने केसेस आ रहे हैं तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तहमुल से जो टीमें आती हैं उनके साथ ताउन करें उनके उनको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने दें ताकि जो है ना आपकी बच्चों का जो मुस्तबिल है वो महफूज रहे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका डॉक्टर सामा ने बड़ी अच्छी बात की के दो कतरे पोलियो के आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है एक और डॉक्टर साहब से भी गुफ्तु करेंगे मेरे साथ रहिएगा जी तो नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान इनसे भी बात करते हैं पोलियो का प्रोग्राम है पोलियो की कंपेन है डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं इससे कबल भी मैंने डॉक्टर साहिबान से आपकी मुलाकात करवाई उनकी गुफ्तु आपने जानी अभी डॉक्टर उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं माशाला यंग भी हैं और समझते भी हैं काम को इनसे भी गुफ्तु करते हैं इनसे पूछते हैं कि पोलियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे अल्लाम उस्मान साहब ये बताइएगा कि आज से पोलियो की कंपेन का आपको पता है कि आगाज़ हो चुका है और क्या कहना चाहिए आ, पोलियो की कम्पेन के बारे में यही कहूँगा कि दुनिया के अंदर मोस्टली बहुत ज़्यादा नाइन्टी नाइन परसेंट कंट्रीज़ के अंदर पोलियो इरेडिकेट हो चुका है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान अफग़ानिस्तान कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो अभी भी है तो पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए ख़त्म करने के लिए हमें इस कम्पेन के में गवर्नमेंट का तावन करने की ज़रूरत है अपने सारे बच्चे जो पाँच साल से कम उम्र हैं उन्हें पोलियो के कतरे पर लाएँ ताकि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा किया जा सके डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पोलियो का आत्मा तो तभी मुमकिन है कि जब हम लोग कॉपरेट करेंगे पोलियो की टीमों के साथ कॉपरेट करेंगे डॉक्टर साहिबान के साथ कॉपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ कॉप्रेट करेंगे लेकिन हम लोग क्यों आज भी जो है वो एक ऐसी सदी का रोना रो रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है बस हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि जी खुदा खुदान खास्ता हम पोलियो के कतरे पिलवाएंगे तो ये हो जाएगा खुदा खुदाना खास्ता हम पोलियो के कतरे पिलवाएंगे तो ये हो जाएगा तो ऐसे माँ बाप के लिए क्या पैगाम है आपका जिनके अंदर एक डर है एक खौफ है उस खौफ को कैसे दूर किया जा असल में पोलियो की वैक्सीन के बारे में हमारे माशरे में बहुत सी अफवाहें पाई जाती हैं बहुत से लोग डिफरेंट तरह के आपसे मिथ्स शेयर करेंगे कि बच्चे को पोलियो कतरे पिलाए और बच्चा माजूर हो गया या फिर डिफरेंट तरह की बातें आपको सुनने में आएंगी जबकि जो भी वैक्सीन कभी भी जो जनरल पापोलेशन में आती है वो पहले डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनइजेशन उसको टेस्ट करती है ठीक है वो कम्प्लीटली सेफ़ होती है फिर उसका ट्रायल जो है वो पब्लिक पर दिया जाता है और आपके सामने इसकी मिसाल सामने दुनिया के जितने ममालिक में पहले पोलियो था उन्होंने पोलियो की वैक्सीन लगा कर उसका खात्मा किया ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है ये मिथ है सारे जो जिस जिसपे लोग बिलीव करते हैं तो लोगों को स्पेशली पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस पूरी उम्र के लिए माजूर होने से बचाने के लिए वो पोलियो की वैक्सीन लगवाएं डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा मेरा आपसे आखिरी ये सवाल है कि हमने देखा कि अक्सर लोग जो है वो नहीं पिलाते पोलियो के कतरे इसकी बड़ी वजह यही है कि हम लोग सोशल मीडिया का दौर है मीडिया का दौर है हम लोग जो है वो हमारे यहाँ ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग खुद ही डॉक्टर हैं खुद ही हम लोग हकीम हैं खुद ही हम, लो, हम लोग हम लोगों ने तमाम कामों में खुद ही पी की हुई है और हम लोग बग़ैर तहकीक़ के बग़ैर किसी वजह के आपने मुझसे बात कर दी मैंने उस बात को उठाया दस बंदों में खड़े होकर कर दिया तो क्या ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें हमारा दीन भी कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर तहकीक़ नहीं करते तब तक आप उस बात को आगे मत फैलाएं तो हम लोग क्यों ऐसे काम करते हैं कि जिससे हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं ऐसे लोगों के लिए पैगाम क्या है ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मैं यही कहूँगा कि पहले तहकीक करें फिर इस चीज़ पर बिलीव करें क्योंकि पोलियो ऐसी बीमारी है जो कि बच्चे को सारी उम्र के लिए माजूर कर देगी उन्हें उनके बच्चे की सेहत उनके बच्चे की अफजाइश के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है उन्हें चाहिए कि अथेंटिक सोर्सेस से डॉक्टर्स से क्वालिफाइड लोगों से इस बारे में मशवरा ना ना कि उन लोगों से मशवरा लें जो कि इस बारे में नॉलेज नहीं रखते तो जब वो उन लोगों से क्वालिफाइड लोगों से नॉलेज लेंगे तो इन वो अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएंगे और इसी तरह ही हम मिलकर पूरे माशरे से पूरे पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा कर सकते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू बिल्कुल जी नाजरीन तुशा गुफ्तगूस होनी मेरे नाल मैं कोशिश की आज ने प्रोग्राम पब्लिक आई रावल पिंडी ने अंदर चूँकि तुसा कि पता कि मेरा जो प्रोग्राम है पब्लिक आई रावल पिंडी ज़रा तनजो मज़ाक होना शुगल मिल ले पर होना लेकिन मामले की नवयत जी है वो बड़ी एहसास है चूंके अज बायदा तौर पर पोलियो कंपेन का आगाज़ किया गया पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इजला ने अंदर और ये बड़ा खुश आइंदा कि पोलियो जड़ा है वो एक ऐसा मूजी मर्ज है जो बच्चे ने मुस्तबिल तबाव बर्बाद कर देना उस इस तरह ही तबाह बर्बाद करना कि जिस तरह बच्चा माजूर हो जुलसीदाहरी गल है उसकी खेड़ने दुशारी होगी अगर वो क्रिकेट खेडना चाहना तो उसकी दुशारी उस चलने उसकी दुशारी हो लेकिन जिस टाइम नाले बच्चे की सेहतमंद तखसी नाले बच्चे हैं कि बेहतर तखसी फिर बच्चा सासे कमतरी ना शिकार उसी और बच्चे ने जहन पर एक बोझ और इसने नाल नाल डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गल की डॉक्टर गुलाब शाह साहब कि जी बच्चा है ना वो पूरे माशरे पर बोझ अपने आप की तस्वर करना और पेरेंटस बच्चे की बोझ तसवर करना अपने पर माशरा भी उस बच्चे की अपने पर बोझ तस्वर करना जो बच्चा माजूर हो चुना इसे असं सारे जिमेदारी है हर पाकिस्तानी नहीं है जिम्मेदारी है हर पोलिटिशन नहीं है हर डॉक्टर नहीं है जिम्मेदारी है हर टीचर नहीं है जिम्मेदारी है हर आलमे दीन जिम्मेदारी है कि अस ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਵਾਈਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਨੀ ਟੀਮ ਆਵਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਨੇ ਸਤੇ ਜਦ ਉਸਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਪਿਲਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਤਰੇ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਨ ਅਸਨਾ ਉਸ ਹਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਤਰੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਤਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬ याद दिलासो तो अज ने प्रोग्राम पब्लिक आई रावल पिंडी ने अंदर मैं ये तमाम तरह डॉक्टर ने गुफ्तूत सामने रखी हमेशा नहीं तरह तो मेरा साथ दता शुक्रिया ते अगले प्रोग्राम में किस नवे टॉपिक मुलाकात हो सी तब तक तो अपना तो अपने प्यार ढेर सारा ख्याल रखना पाकिस्तान पाइंदाबाद